बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपसे अपने गरम मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये ऑल पर्पज़ गरम मसाला हर तरह के खाने में, बिहारी, निहारी, कोरमा या घर का सादा सालन हो, उसमें इस्तेमाल हो सकता है। तमाम स्पाइसेस को सबसे पहले मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने से इनके अंदर की नमी भी दूर हो जाती है और इनका अरोमा बाहर आ जाता है। ये तेज पत्ते हैं। सबसे पहले मोटे मसाले मैं रोस्ट करूँगी। जो छोटे मसाले हैं वो मैं बाद में रोस्ट करूँगी क्योंकि वो जल्दी जल जाते हैं। ये बड़ी इलायची है, ये दो फूल बादियान है। जब इनमें से खुशबू आने लगे तो फिर इन्हें निकाल लें। अब ये थोड़े से जो मोटे मसाले हैं मैं ये डाल रही हूँ। ये धनिया, साबुत धनिया है। मैंने पैन को एक बार गरम कर लिया है और अब उसको बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दिया है ताकि ये मसाले जले नहीं। सफेद जीरा, जब सफेद जीरे और धनिये में से खुशबू आने लगे तो ये काला जीरा है, ये सब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं। ये बाद में इसलिए कर रही हूँ कि ये बहुत बारीक होता है और ये जल्दी से जल जाता है। काली मिर्च, लौंग और ये जायफल है, इसको मैंने तोड़ लिया है तो ये इस तरह का पीस है। ये इसको मैं दो टुकड़े करके डाल दूंगी, ये ज़रा सख्त होता है। काली मिर्च और लौंग थोड़ी सी रोस्ट हो जाएं तो ये जायफल के बाद ये जावित्री है, ये इसके दो फूल ले लें इस तरह करके। और सबसे आखिर में ये हरी इलायची, इसको भी ज़्यादा रोस्ट नहीं करते नहीं तो इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। इसे अब मैं थोड़ी देर ठंडा करने के लिए छोड़ रही हूँ, फिर मैं इन्हें पीसूँगी। फिर इसके अंदर कुछ और मसाले हैं जो जिनको मैंने रोस्ट नहीं करना है, वो मैं इनमें शामिल करूँगी। ये मसाले ठंडे होने के बाद इसमें मैं कुछ और चीज़ें शामिल कर रही हूँ। ये दो छोटे छोटे से पीस तबाशीर के हैं। तबाशीर जो गरम मसाले की तेज़ी होती है और फिर बर्निंग महसूस होती है तो ये उसको नहीं होने देती, ये मैं डाल रही हूँ। ये जिंजर पाउडर है, ये और गरम मसाले को ज़ाफ़रानी जायका देने के लिए ये तकरीबन 1.5 टीस्पून ज़ाफ़रान है, ये भी मैं डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप ज़ाफ़रानी गरम मसाला बनाना चाहते हैं तो ये डाल लें और अगर नहीं तो ये सारे मसाले ही बहुत अच्छा गरम मसाला बन जाएगा इन सारे मसालों से। इस गरम मसाले में
एक चीज़ और डालते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि मसालों में नमी आने से और उन्हें जुड़ने से रोकता है। वो मेरे पास नहीं है, आप इसमें वो एक चुटकी के बराबर शामिल कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।